जय हिंद बच्चों। जैसा कि इस समय आप देख रहे हैं कोचिंग के चैनल पर कारवां चल रहा है उन बच्चों की सफलताओं की कहानियों का जिन्होंने हाल ही में हुआ फेस टू के पेपर का एयरफोर्स अग्निवीर का फेस टू क्वालिफाई किया है। क्या नाम है बच्चा आपका? अंकित पांडे। अंकित पांडे, स्वागत है आपका इस वीडियो में। अंकित, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, आपका सिलेक्शन हो चुका है। थैंक यू सर। अंकित, अब दूसरा ये बताइए, आपका स्ट्रगल या आपकी जर्नी कैसी रही? रिटर्न कितनी बार दिया, कितनी बार रिटर्न क्वालिफाई हुआ, फेस टू के लिए कितनी बार गए? सर ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था। मैं तीन बार रिटर्न, चौथी बार, यस मैम, यस सर, तीन बार मैं रिटर्न क्वालिफाई नहीं कर पाया सर। तीन बार आपका रिटर्न ही क्वालिफाई नहीं हो पाया? यस सर। और इस बार आपका रिटर्न भी क्वालिफाई हुआ, जीडी भी क्वालिफाई हुआ, स्कोर भी आपका 37 है, तो मेरिट आउट होने का भी प्रश्न ही पैदा नहीं होता। केवल और केवल मेडिकल आपका बचा हुआ है। मेडिकल हो गया सर। मेडिकल हो गया है? यस सर। ग्रीन कार्ड मिल गया? यस। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत मुबारक हो। तो मतलब वर्तमान में आपकी सफलता पूरी हो चुकी है, अब केवल ज्वाइनिंग करने जाना है। ओके सर। तो अंकित, तीन बार जैसा रिटर्न क्वालिफाई नहीं हो पाया, तो उसके बाद हताशा निराशा दिमाग में आई होगी? यस सर। कैसे खुद को संभाला? सर विश्वास था कि निकाल लेंगे, आज नहीं तो कल निकाल लेंगे। यस सर। ठीक बेटा, तो फेस टू की कोचिंग भी पहली बार की होगी, अब से पहले की भी नहीं होगी? यस सर, पहली बार। तो फेस टू की कोचिंग करने आप कोचिंग कब आए थे? सर यही जो अक्टूबर नवंबर में, नवंबर में आए थे। तो नवंबर से लेकर जनवरी तक आप कोचिंग में रहे थे? यस सर। कि बीच में चले गए थे? बीच में चले गए थे। बीच में चले गए थे। यस। तो इस कोचिंग के दौरान मैंने आपकी क्लासेस ली, प्रांजलि मैम ने ली, कमल सर ने ली। यस सर। हमें तीन लोगों ने आपकी क्लासेस ली। यस सर। ऑलराइट। तो जब आप फेस टू के लिए गए बेटा, तो फेस टू के लिए आप कहाँ पर आपका फेस टू हुआ? 3SC कानपुर सर। 3SC कानपुर। यस। सेंटर थोड़ा बदनाम है वो। यस सर। उसको थोड़ा टफ सेंटर माना जाता है। यस सर। तो बताइए, सुबह कितने बजे की रिपोर्ट हुई, रिपोर्टिंग के बाद रनिंग कितने बजे हुई, पुशअप कितने बजे हुआ, जीडी कितने बजे हुआ, जीडी में टॉपिक क्या मिला? सर पहले यहाँ से हम लोग गए तो मतलब 6:30 बजे रिपोर्ट, 5:30 बजे रिपोर्टिंग थी। इसके बाद फिर वहाँ जाने के बाद फिर बस से ले गए, इस बार फिर रनिंग वनिंग वह सब हुआ, इस बार फिर वही जी ड्यूटी खत्म हो गया। अच्छा, तो जीडी में टॉपिक आपको क्या मिला था सर? रिसाइकिलिंग था। रिसाइकिलिंग? रिसाइकिलिंग ऑफ वॉट? रिसाइकिलिंग मतलब एवरीथिंग। यस सर। तो केवल रिसाइकिलिंग का टॉपिक आपको मिला? यस सर। अच्छा, रिसाइकिलिंग के टॉपिक पर आप बोल पाए अपनी बातें? सर यहाँ इतना पढ़ा दिया गया था कि रिसाइकिलिंग छोटा टॉपिक लगने लगा। रिसाइकिलिंग छोटा लगने लगा था। तो जीडी में आप काफी बढ़ चढ़ के बोल रहे हो। यस, एक ही बार बोले सर शांत करा दिया। किसने शांत करा दिया? एसएसआर था, वो बोला या तुम बोलोगे ही नहीं। क्या चेस्ट नंबर था आपका? चेस्ट नंबर 57 सर। तो उन्होंने बोला चेस्ट नंबर 57, अब आप बोलेंगे ही नहीं। यस सर। और ये मैंने आपको पहले से बताया हुआ था। यस सर। आप यदि एसएसआर ऐसा कहता है तो मतलब 90% आपका सिलेक्शन हो चुका है। यस सर। बहुत बढ़िया। तो जैसे ही एसएसआर ने ऐसा कहा वैसे ही आपको ग्रीन लाइट मिल गई होगी। यस सर। दिमाग में समझ में आ गया होगा कि भाई हमारा जीडी क्लियर हो चुका है। तो नरेशन भी हुआ था पहले? यस सर, नरेशन हुआ था। आपके ग्रुप में कितने बच्चों का ग्रुप बना था जीडी के लिए? सर 20 लोगों का ग्रुप बना था। 20 बच्चों का? यस सर। अच्छा, और रनिंग सुबह कितने बजे हुई थी? रनिंग सुबह 7:30 बजे हो गई थी। और रनिंग कितने बजे खत्म हुई, मतलब 8 तक खत्म हो गई? यस सर। उसके बाद पीएफटी आपका कितने बजे हुआ, बाकी बचा? बाकी बचा पीएफटी सर लगभग 1 घंटे बाद हुआ। 1 घंटे बाद। तो जीडी आपका लगभग 11 बजे शुरू हुआ? यस सर। तो क्या पहला ही बैच आपका था जीडी का? नो सर, तीसरा बैच था। तो आपने कपड़े चेंज किए थे? नो सर, वैसे ऐसे ही चला गया था, उसी लोअर टी शर्ट में। yes. आप जीडी के लिए बैठ गए? यस सर। परफेक्ट। आपके ग्रुप में जीडी में आप नर्वस तो नहीं थे? कुछ नहीं था सर, इतना पढ़ा दिया है वो। इतनी प्रैक्टिस आप कर चुके थे ऑलरेडी? यस सर। कि नर्वस होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। यस सर। फिर उसके बाद जब आपका जीडी क्लियर हो गया, yes, तो कितने बजे आपको फाइनली पता चला कि आप सेलेक्ट हो चुके? 6:30 बजे सर, शाम को 6:30 बजे। yes, सर। तो 12 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक आपने क्या किया और कहाँ रहे? बस सर वही बाहर कैंपस में था, धूप में थे वो, बैठे थे सब लोग बस। खाने पीने की क्या व्यवस्था थी इस समय? व्यवस्था सब सही था, वहाँ लेकर भी जा सकते हो, वहाँ पे व्यवस्था भी था, आप खा भी सकते हैं। कैंटीन थी मतलब? यस सर। तो आप परचेस करके खा सकते हैं? यस। तो क्या 12 बजे से 6 बजे के बीच में मोबाइल का यूज करने के लिए अनुमति थी? नहीं सर, मोबाइल नहीं इस्तेमाल। तो बिना मोबाइल के लिए 12 से 6 बैठे थे? यस सर। फिर जब आपको फाइनली पता चला और आप सिलेक्शन सेंटर से बाहर आए? यस सर। तो सिलेक्शन के बारे में सबसे पहले कॉल आपने किसे करी? सर सबसे पहले पापा को बताया। पापा को बताया? क्या रिएक्शन थी पापा की? पापा सर पहले से जानते थे मेरा हो जाएगा। अच्छा, क्या करते हैं फादर आपके? पापा सर किसान है सर। किसान है। फिर ये आपका किस दिन हुआ था फेस टू, कौन सी तारीख को? 2 तारीख को हुआ था, 2 फरवरी। यस सर। बेसिकली आप कहाँ से हैं? सर भदोही। भदोही। तो जब 2 फरवरी की रात में आप कानपुर सिलेक्शन सेंटर से बाहर आ गए, उसके बाद आप कहाँ गए? इसके बाद सर कानपुर पहले रुका था एक दिन। अच्छा। इसके बाद फिर घर चले आए, भदोही चले आए। यस सर। फिर मेडिकल आपका कब हुआ? मेडिकल 10 तारीख को था। कहाँ पर हुआ? कानपुर में। कानपुर में? यस सर। कानपुर में ही हुआ? यस सर। तो मेडिकल में क्या क्या हुआ आपके साथ? मेडिकल में सर वही सब पता नहीं था, बिना प्री मेडिकल ही गए थे।
बिना प्री मेडिकल के गए थे? केवल ये था कि एक दोस्त थे उससे सलाह लिए थे, बाकी चले गए थे। तो मेडिकल में बीपी वगैरह सब कुछ मेजर किया गया होगा? यहाँ पेशेंस पहले ही सिखा दिया गया था जीडी के दौरान, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा मेडिकल के दौरान, यस सर, ताकि मेडिकल में दिक्कत ना। यस, तो 10 तारीख को मेडिकल कितने बजे खत्म हुआ? 10 तारीख को मेडिकल 4:30 बजे ग्रीन कार्ड मिल गया था। शाम को? नहीं, शाम को 4:30 बजे ग्रीन कार्ड मिल गया था। ग्रीन कार्ड मिलने के बाद आपने सबसे पहले किसको सूचित किया? पापा को। पापा को ही सूचित किया। फिर से पापा को पता था कि आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा? पता था सर कि मिल ही जाएगा। फाइन फाइन, आपने मुझे सूचना कब दी? सर अब आपको वही ग्रीन कार्ड मिलने के बाद आधे घंटे बाद फिर बताया। आधे घंटे बाद पापा के बाद मतलब दूसरा हमी को कॉल किया? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया अंकित, मुबारक हो भाई, फाइनली आपका सिलेक्शन हो ही चुका है। अब बेटा, जो वर्तमान के ऐसे बच्चे हैं जो सबसे ज्यादा अग्निवीर को लेकर कंफ्यूज हैं कि 4 साल की नौकरी के लिए वो पेपर को सीरियसली लें या ना लें, सर उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर अग्निवीर हो चाहे कुछ भी हो, अगर देश सेवा के लिए आप चाहते हैं तो भाई अग्निवीर ही सही है, अग्निवीर ही सर्वोत्तम है। सर, क्योंकि 4 साल आपको वहां बिताने के बाद सिविल में भी अपना करियर बनाने का मौका मिल जाएगा। यस सर। और जब आप वहां से वापस आएंगे तो एक हैंडसम अमाउंट आपके पास होगा, आप अपना बिजनेस भी स्थापित कर सकते हैं। यस सर। ऑल राइट बेटा, हिंदी मीडियम के बच्चे हमेशा फेस टू को लेकर भयभीत रहते हैं। मैं भी हिंदी मीडियम से ही था। तुम भी हिंदी मीडियम से थे? यस सर। तो तुम्हारा क्या मानना है कि हिंदी मीडियम के बच्चे को फेस टू की तैयारी के लिए कैसे क्या कर लेना चाहिए? सर हिंदी मीडियम वाले लड़कियों के लिए कुछ नहीं, बस तैयारी करते रहे, अच्छे कोचिंग जैसे या किसी जैसा कोचिंग जैसे ज्वाइन कर ले जहाँ बढ़िया गाइडलाइन मिलता है सर, इसके बाद आराम से जीडी निकल जाएगा। मेजर कल्ची का क्या सहयोग रहा आपके? मेजर कल्ची का सर पूरा सहयोग था, रिटर्न से लेकर सर फेस टू तक। रिटर्न में भी आप यहीं के स्टूडेंट थे? यहाँ के स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन सर एनडीए ही से किए थे। अच्छा, एनडीए के बैच में थे आप? यस सर। तो मैथ फिजिक्स इंग्लिश तो आपका हो ही चुका होगा उसी में? बहुत बढ़िया अंकित, वेरी गुड बेटा, फंटास्टिक। अंत में 2 लाइन बच्चों के लिए जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। बस यही कहना चाहूँगा सर, पेशेंस रखे, पेशेंस से बड़ा कुछ चीज़ नहीं है। बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू।